अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जब हमारा ब्रेक फेल हो जाता है, ये एक्स्ट्रा है जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ 5 मिस्टेक के बाद में। अगर आपकी कार में ब्रेक फेल हो जाता, अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैं ड्रिफ्ट करूंगा कार को, मैं टर्न कर लूंगा। ये देखिए, ये अभी मैं मूव कर रहा हूँ फर्स्ट गियर में, ये सेकेंड गियर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रेकिंग के बारे में बताने वाला हूँ, 5 ऐसी गलती जो ब्रेक करते समय या ब्रेक को यूज करते समय न्यू ड्राइवर से होती है। तो ये ब्रेकिंग से रिलेटेड पूरी वीडियो होने वाली है फ्रेंड, जिसमें मैं बताऊंगा आपको ब्रेकिंग कैसे यूज करनी चाहिए या कैसे ब्रेक करना चाहिए अपनी कार में, ब्रेक यूज अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप लोअर गियर में है तब ब्रेक कैसे करनी है, हायर गियर में है या स्पीड में आपकी कार, तब आपको ब्रेकिंग कैसे यूज करनी है। तो कंप्लीट वीडियो ब्रेकिंग से रिलेटेड होने वाली है। 5 मिस्टेक्स जो होगी जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं ब्रेक यूज करते समय या ब्रेक अप्लाई करते समय। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, हर एक ब्रेकिंग की जो मिस्टेक्स है उसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो पूरी वीडियो देखें, स्किप नहीं करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर प्रेस कर दें। फ्रेंड्स कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कार ड्राइविंग से रिलेटेड या कार से एक्सेसरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। पहली चीज, जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो आपने ये समझना होगा कि पहले ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो क्या रीजन है ब्रेक अप्लाई करने का या तरीका क्या है। जो फर्स्ट गियर सेकेंड गियर में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है, और हायर गियर में अप्लाई करते हैं तो तरीका क्या होता है। पहली चीज दिखाता हूं, जब फर्स्ट गियर में न्यू ड्राइवर्स पहली मिस्टेक जो करते हैं वो ये होता है, उन्हें ब्रेक जब अप्लाई करनी है तो वो समझ नहीं पाते हैं, ब्रेक झटके से प्रेस कर देते हैं। अभी देखिए मैं फर्स्ट गियर में लगाया हूँ, क्लच प्रेस है मेरा, जैसे मैं मूवमेंट करूंगा ये देखिए मेरा एक्सीलेटर पे हल्का सा फुट गया है लेकिन मैंने प्रेस नहीं किया। अब जब आगे बढ़ाए, अब यहाँ पे ब्रेकिंग करनी है तो देखिए ये ब्रेक हल्की सी प्रेस करेंगे आप, फिर पूरी जब आपने कार स्टॉप करनी है तब पूरी प्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है। जो मिस्टेक करते हैं न्यू ड्राइवर्स वो क्या करते हैं, ये देखिए ये कार बढ़ाई आगे और ये ऐसे ये ब्रेक अप्लाई कर दी, आपने नोटिस किया होगा जर्क पड़ा है, ब्रेक अप्लाई हुई तो कार एकदम झटके पड़ी है कार में। तो ये चीज होती है न्यू ड्राइवर से गलती, जो झटके से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। अगर कहीं स्टॉप करना है तो वो क्या करते हैं, क्लच प्रेस किया, ये देखिए ये इस तरह से कार का मतलब जो होता है बुरी तरह से जर्क होता है क्योंकि ब्रेक बहुत जोर से अप्लाई हुई है। तो ये गलती है। अब ब्रेक अप्लाई कैसे करनी है, पहली मिस्टेक की सॉल्यूशन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ब्रेक अप्लाई कैसे करनी है। सपोज मैंने अभी फर्स्ट गियर में आपको दिखाया कितनी जोर जर्क आई है, वैसा हम नहीं कर सकते, हमें ब्रेक अप्लाई कैसे करनी है, ये देखिए मूवमेंट आया, जैसे ही मूवमेंट आ गया अब हमें स्टॉप करनी है। सपोज ये क्लच प्रेस किया धीरे से, ये देखिए पहले धीरे से प्रेस किया फिर जहाँ स्टॉप करनी है फिर पूरा प्रेस कर दिया। तो आपने ब्रेक अप्लाई करने का तरीका ये है कि स्लोली हल्का हल्का प्रेस करना है, कार की स्पीड को डाउन करना है, फिर जहाँ कंप्लीट स्टॉप करना है आपने ब्रेक अप्लाई कर देंगे, आप कार कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी। ये फर्स्ट मिस्टेक है न्यू ड्राइवर्स करते हैं जो कि झटके से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। तो अब फ्रेंड्स सेकंड मिस्टेक की तरफ चलते हैं। सेकंड मिस्टेक में क्या करते हैं न्यू ड्राइवर्स, उनसे ये होता है कि फर्स्ट गियर में जब कार चला रहे हैं, सपोज फर्स्ट गियर में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या थोड़ी सी नैरो रोड है उसमें कार चला रहे हैं, ये देखिए सपोज कार चला रहे हैं, उनसे गलती क्या होती है, ये देखिए क्लच प्रेस किए बिना ब्रेक अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट गियर में। इससे क्या होगा, आपने क्लच अगर प्रेस नहीं किया है, ब्रेक सीधी अप्लाई कर दी है तो आपकी कार तो स्टॉप हो जाएगी लेकिन इंजन ऑफ हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर आपको न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर में या क्लच प्रेस करके आप फिर कार को स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट गियर में आपने क्या करना है, ये मिस्टेक है जो कि न्यू ड्राइवर्स करते हैं कि ब्रेक बहुत बार होता है कहीं स्टॉप करना है तो ब्रेक प्रेस कर देते हैं, क्लच प्रेस करना भूल जाते हैं। ये फर्स्ट गियर की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट गियर में डिफरेंट तरह से ब्रेकिंग होती है। तो ये सेकंड मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ, न्यू ड्राइवर्स ब्रेक अप्लाई कर देते हैं क्लच प्रेस नहीं करते हैं। फर्स्ट ईयर में हमें ब्रेक कैसे यूज करनी है, ये देखिए फर्स्ट ईयर में मेरी कार मूवमेंट आ गई है, ये क्लच प्रेस करेंगे फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे, ये देखिए बड़े आराम से स्मूथली मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्टॉप कर लिया। ये तरीका है जब हम फर्स्ट ईयर में ब्रेक अप्लाई करते हैं। सेकेंड ईयर में हम ब्रेक कैसे अप्लाई करते हैं, थर्ड मिस्टेक की तरफ आता हूँ जो न्यू ड्राइवर करते हैं। जब आपने सेकेंड ईयर सेकेंड मिस्टेक समझ ली होगी जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं, अब मैं थर्ड मिस्टेक बता रहा हूँ। थर्ड मिस्टेक्स में न्यू ड्राइवर क्या करते हैं, तीसरी मिस्टेक जो होती है वो ये करते हैं कि अपनी कार, अभी देखिए सेकंड ईयर में, सपोज मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ये मैंने सेकंड ईयर अप्लाई किया, जैसे फर्स्ट ईयर में क्लच प्रेस करके ब्रेक करना होता है सेकंड ईयर में वैसा नहीं होता है। न्यू ड्राइवर सेकंड ईयर में भी वही चीज करते हैं फर्स्ट ईयर जैसा, क्लच प्रेस करते हैं फिर ब्रेक करते हैं, करते क्या मिस्टेक ये देखिए, सेकंड ईयर में कार चल रही है ये क्लच प्रेस किया फिर ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी है, ये देखिए
ये सेकेंड गियर में मिस्टेक है, ये चीज नहीं करें, रिक्वायर्ड नहीं है आपको क्लच पहले प्रेस करने का। हाँ, जब तक आप सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तब तक अलग बात है, लेकिन सेकेंड गियर में आपने कैसे प्रेस करना ये देख लीजिए। सेकेंड गियर मैंने अप्लाई किया, अब आपने जब कार स्टॉप करनी है, ये टर्निंग में मेरे को कार स्टॉप करनी है, ये देखिए क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ प्रेस किया है मैंने। आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मेरा ब्रेकिंग हुआ है, फिर से दिखाता हूँ। सेकेंड गियर में मिस्टेक आपको बता दी थी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक कैसे करते हैं। अब सेकेंड गियर में मेरी कार चल रही है, आप नोटिस करिए, अब मेरे फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। ये ब्रेक अप्लाई करते के साथ साथ मैंने क्लच प्रेस कर दिया, ये होता है जो थर्ड मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको न्यू ड्राइवर से होती है, जो इसमें ये है कि सेकेंड गियर में मिस्टेक ये करते हैं कि थर्ड जब आप सेकेंड गियर में होते हैं तो क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप क्लच प्रेस करके अप्लाई करना चाहते हैं ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये होगा कि आप ब्रेक अप्लाई करते के साथ साथ क्लच प्रेस करें। सेकेंड गियर की बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ, जो न्यू ड्राइवर से होती है मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक ये है कि जब ड्राइव कर रहे हैं कार को, ये लेग को मूव कर रहे हैं, सपोज ये फर्स्ट गियर में मैं सेकेंड गियर लिया, फर्स्ट गियर से फिर सेकेंड गियर लगाया हूँ, सेकेंड से अब थर्ड गियर की तरफ आ रहा हूँ। थर्ड गियर में अभी देखिए ये क्या करते हैं न्यू ड्राइवर से, मिस्टेक यही होती है जैसे फर्स्ट और सेकेंड गियर में करते हैं, क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करना या ब्रेक और क्लच साथ में प्रेस करना। थर्ड गियर में ऐसा नहीं होता है, न्यू ड्राइवर इसमें भी मिस्टेक करते हैं ब्रेक करते समय। इसमें क्या करना है इनको मैं बताता हूँ, पीछे से कार को मूव हो जाने दीजिए। मैं थर्ड गियर में हूँ, 30 प्लस की स्पीड है मेरी कार में, अभी मैं यहाँ पे ब्रेकिंग अगर अप्लाई करूंगा तो ये देखिए ये मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार स्टॉप हुई, अब मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ जब मेरा आरपीएम डाउन हो गया है और मेरे को डाउन शिफ्ट करना है। मैंने फर्स्ट सेकेंड गियर थर्ड गियर लगाया, डाउन शिफ्ट करना था, तो मैंने कैसे किया आपने नोटिस किया होगा कि मैं थर्ड गियर से वापिस आपको करके दिखाता हूँ, जो न्यू ड्राइवर से मिस्टेक होती है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस मिस्टेक को कि वो क्लच, अभी मिस्टेक बताता हूँ। ये देखिए थर्ड गियर में मिस्टेक क्या करते हैं, वो जैसे फर्स्ट और सेकेंड गियर में होता है क्लच प्रेस करके, ये देखिए ऐसे ब्रेक अप्लाई करते हैं ये थर्ड गियर में, ये होती है मिस्टेक जो सेकेंड गियर में भी मिस्टेक करते हैं, थर्ड गियर में भी करते हैं। और बहुत जन करते हैं कि थर्ड गियर में कैसे थर्ड गियर की मिस्टेक, और एक क्या करते हैं, ये सेकेंड गियर अभी मैंने अप्लाई किया है, यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास आगे यहाँ थर्ड गियर अप्लाई करने की या मूवमेंट करने की, तो मैं यहाँ से यू टर्न रिवर्स करके ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं सेकेंड गियर लगाया, अब थर्ड गियर कर रहा हूँ, थर्ड गियर में मिस्टेक आपको बताइए न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करते हैं या ब्रेक और क्लच एक साथ प्रेस कर देते हैं, ये मिस्टेक है जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं। करना क्या है, आपने जब भी ब्रेक अप्लाई करनी है आपने थर्ड गियर में, आपकी कार 40-50 की स्पीड है, आप ब्रेक अप्लाई करिए, जहां पहुंचे आपको कार स्टॉप करनी है तब आप क्लच प्रेस करिए, ये होता है सही तरीका अपनी थर्ड गियर फोर्थ और फिफ्थ गियर में। ये फोर्थ मिस्टेक थी फ्रेंड्स जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में किस तरह से ब्रेकिंग करते हैं। स्पीड तो ले देते हैं लेकिन जब ब्रेक करना होता है तब, ब्रेक अप्लाई करनी होती है तब क्या करते हैं, क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करते हैं या क्लच और ब्रेक दोनों साथ में प्रेस करते हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेक के साथ क्लच प्रेस करना है या ब्रेक अप्लाई करने से पहले प्रेस करना है क्लच को, बिल्कुल भी नहीं। आप ब्रेक पहले अप्लाई करिए, जब आपकी कार स्टॉप पोजीशन पे आने लगे, आरपीएम डाउन हो जाए, हो सकता है आपको एक दो बार ऐसा हो कि कार जर्क करने लगी, उस समय आपने क्लच प्रेस करना है। आप कंफ्यूज नहीं होइए, पहले ओपन स्पेस में लेके जाइए, अपनी फर्स्ट सेकेंड गियर की प्रैक्टिस करिए, थर्ड गियर में ओपन स्पेस में ही ले जाके करिए, रोड पे जब ट्रैफिक में हो, आसपास में व्हीकल हो तो उसको अवॉइड करें थर्ड गियर अप्लाई करना। थर्ड गियर में ब्रेकिंग जब आप करते हैं या फोर्थ या फिफ्थ गियर में ब्रेकिंग करते हैं तो आपकी ब्रेकिंग इसी पैटर्न में होनी चाहिए जैसे अभी मैं करके दिखाया। ये देखिए थर्ड गियर में मैं आगे बढ़ाया हूँ कार को, आपकी ब्रेकिंग कैसे होनी चाहिए, देखिए ब्रेक किया, अब टर्निंग आई है, स्टॉप करना है, मैंने क्लच प्रेस करके कंप्लीट स्टॉप कर दिया। तो ये तरीका होता है ब्रेक अप्लाई करने का थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में। तो फ्रेंड्स ये फोर्थ मिस्टेक थी जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं जब ड्राइव करना सीख रहे होते हैं या कुछ महीने भी होते हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं पहले, अगर आप ये गलती मिस्टेक ऐसी होती है कि आप क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करना प्रैक्टिस में आ गया, आपके हैबिट हो गई है, तो इसको हो सके तो जब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए अपनी ड्राइविंग में, उसके बाद आप ये चीज करें कि अपनी ब्रेकिंग पे ध्यान दें कि कैसे आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, किस तरह से आपकी ब्रेकिंग होनी चाहिए, या थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में आप ब्रेकिंग अगर कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो क्लच प्रेस करके तो नहीं कर रहे, अगर क्लच प्रेस करके कर रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस अपनी चेंज करें,
क्योंकि हो सकता है सीखते समय इंस्ट्रक्टर भी आपको बोले कि क्लच प्रेस करिए, ब्रेक अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अब ये देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ, इंस्ट्रक्टर हमेशा यही चीज बोलते हैं, देखिए क्लच प्रेस करिए, क्योंकि आपका इंजन ऑफ नहीं होगा, नहीं तो आपके यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सेकंड थर्ड गियर सेकंड सेकंड या थर्ड गियर में है, आपने कोशिश की ब्रेक अप्लाई करने की, फिर क्लच प्रेस करने की थर्ड गियर में सपोज, लेकिन आपने ये चीज ब्रेक तो प्रेस कर दी लेकिन आपकी कार स्टॉप भी हो गई, क्लच प्रेस करना भूल गए या क्लच प्रेस नहीं कर पाए, तो आपकी कार जर्क करेगी और एकदम से रोड पे बंद हो जाएगी, 30-40 की स्पीड में ही बंद हो जाएगी। तो इनिशियली अगर आप क्लच प्रेस करके करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इसको हैबिट में नहीं ढालें, हैबिट तो अपनी चेंज करें अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब आते हैं फ्रेंड्स फोर्थ गियर में। तो फ्रेंड्स अब फिफ्थ मिस्टेक की तरफ आते हैं, ब्रेकिंग से रिलेटेड। न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं कि जब ब्रेक अप्लाई करने लगते हैं, सपोज मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, ये मेरा फुट मूवमेंट आप देखिए, ब्रेक अप्लाई करते समय बहुत बहुत बार फुट मूवमेंट ऐसा हो जाता है जो कि फिफ्थ मिस्टेक है मिनिमम, ये बहुत मैक्सिमम मतलब मिनिमम नहीं मैक्सिमम ड्राइवर्स करते हैं। ये देखिए ये राइट फुट रखे हैं अपना एक्सीलेटर की तरफ, अब जब ब्रेक अप्लाई करनी है तो जैसे क्लच का उठा के ऐसे प्रेस करते हैं क्लच को, वैसे ही ब्रेक का भी इस तरह से ब्रेक मूवमेंट करते हैं। तो ये मिस्टेक है, अगर आप कर रहे हैं ये चीज तो इसको रेक्टिफाई कर लें। यूजली हाईवे में बहुत जन ऐसे ड्राइव करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर करना चाहते हैं तो ये इस तरह से करें, ब्रेक के पास ही अपना फुट रखें। ये देखिए ब्रेक के एकदम स्ट्रेट, अब ब्रेक जहां है वहां आपका फुट होना चाहिए। जब हमें एक्सीलेटर प्रेस करना है तो ये फुट मूवमेंट, ये देखिए ब्रेक अप्लाई करनी है तो मेरी मेरे को पता होगा कि मेरा फुट मैं स्ट्रेट करूंगा तो मेरी ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए फुट स्ट्रेट करूंगा और ब्रेक अप्लाई करूंगा तो मेरी ब्रेकिंग पे ही पैडल पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उन बहुत भारी गलती होती है उनसे कि ये क्या करते हैं, इस तरह से ब्रेकिंग करते हैं और फिर एक्सीलेटर प्रेस करना होता है तो ये इस तरह से मूव करते हैं और फिर अपनी कार को आगे बढ़ाने लगते हैं, फिर जब ब्रेक करना होता है तो ऐसे पैर उठा के फिर ब्रेक करते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं हाईवे में, जब आप एक्सपर्ट हो जा रहे हैं, आराम से चला रहे हैं, आपको हैबिट हो गई है फुट मूवमेंट की, आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, तब ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि हाईवे में बहुत बार क्या होता है, आप फुट ऐसे रखे हैं और आपका फुट ऐसे मतलब ऐसे तिरछा रखेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी अनकंफर्ट सा फील हो, तो आप हाईवे में इस तरह से कर लेते हैं। हाईवे में जब फिफ्थ गियर में कार चल रही है, आपको पता है कि आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा तक आपने ऐसी पोजिशन में फिफ्थ गियर में गाड़ी को चलाना है, तब ये चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये हैबिट बना रखे हैं नॉर्मल रूट में भी अगर ये चीज करते हैं तो ये चीज गलत है, इसको ओवरकम करें, जितनी जल्दी हो सके इसको ओवरकम करें। अपनी ब्रेक का अपना फुट मूव फुट पोजिशन देखिए ऐसा होना चाहिए, ये आपका ब्रेकिंग अप्लाई किया आपने, ये फुट मूवमेंट देखिए मेरा कैसा है, जब मैं एक्सीलेटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए इस तरह से मूव करूंगा और जब ब्रेक करनी होगी तो इस तरह से ब्रेक अप्लाई करूंगा, तो ये मेरा फुट का पोजिशन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। ये फ्रेंड फिफ्थ मिस्टेक थी। पांच मिस्टेक न्यू ड्राइवर्स करते हैं जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या ड्राइविंग करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, या बाद में भी प्रैक्टिस करने के बाद भी, जब महीने 2 महीने हो जाते हैं नॉर्मली ट्रैफिक में चला रहे होते हैं तब भी ये गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरकम करें इस मिस्टेक को। तो ऐसी पांच मिस्टेक मैंने आपसे डिस्कस की है जो ब्रेकिंग से रिलेटेड है, न्यू ड्राइवर्स ब्रेक करते समय या ब्रेक अप्लाई करते समय ये मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज आप ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स जब हमारा ब्रेक फेल हो जाता है, ये एक्स्ट्रा है जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ पांच मिस्टेक के बाद में। अगर आपकी कार में ब्रेक फेल हो जाता है, आप मतलब मैकेनिकल चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, यूजली क्या होता है लाइट हो जाता है, फेल नहीं होता है जल्दी से, फिर भी अगर मैकेनिकली प्रॉब्लम आती है या ऐसा फेस करते हैं आप, तो आपने क्या करना है उसके बारे में बताता हूं मैं। पहले तो स्पेस क्रिएट करता हूं ओपन स्पेस में जहां मैं थोड़ी सी पिकअप ले सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो फ्रेंड्स आपको अगर ब्रेक फेल हो जाती है, आप देखिए मेरा फुट मूवमेंट, मैं ब्रेक अप्लाई नहीं करूंगा और कार को एक पिकअप में लेके जाऊंगा, फिर स्पीड में पहले स्पीड लेके जाऊंगा फिर स्टॉप करूंगा बिना ब्रेक की है। ये देखिए ये थर्ड गियर में मेरी कार, ये मैंने फोर्थ गियर अप्लाई किया, 50 की अप्रोक्स स्पीड आ गई है मेरे कार में, ये फिफ्थ गियर अप्लाई किया है, अप्रोक्स 50 प्लस की स्पीड है, अप्रोक्स 60 की स्पीड है। अगर ब्रेक फेल हो जाती है तो मैं कैसे ब्रेकिंग करूंगा, ये देखिए मैं क्लच और गियर से यूज करते हुए, ये मैंने थर्ड गियर लगाया, क्लच का यूज लिया इंजन ब्रेकिंग की, सेकंड गियर लगाया, ये देखिए ये सेकंड गियर में फिर से वही चीज की क्लच का, ये मैं ब्रेक अप्लाई ही नहीं किया हूं, आप देखिए मेरी कार रुकने लगी है, 20 से बिलो की स्पीड आ गई है, फर्स्ट गियर लगाया, फिर ये फर्स्ट गियर में कंप्लीटली
ये आप नोटिस करिए किस तरह से मैंने इंजन ब्रेकिंग यूज करते हुए कार को करीब 100 मीटर की दूरी में, 60 से 100 मीटर की दूरी में मैंने कार को स्टॉप कर, ये कंप्लीट स्टॉप है मेरी कार, अभी न्यूट्रल कर सकता हूँ, अब मैं चाहूँ तो हैंड ब्रेक लगा सकता हूँ, मेरी कार रुक जाएगी। तो कार को मैंने बिना ब्रेकिंग किए 60+ की स्पीड, अगर 100 में भी होती है, 80 में भी होती है, ये होता है थोड़ा तो डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होगा आपको कार, लेकिन आप स्टॉप कर पाएंगे अगर आप ये चीज करते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि आपको इंजन ब्रेकिंग का फुल यूज लेना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये बोनस चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेकिंग से रिलेटेड। अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैं ड्रिफ्ट करूंगा कार को, मैं टर्न कर लूंगा। ये देखिए, ये अभी मैं मूव कर रहा हूँ फर्स्ट गियर में, ये सेकेंड गियर में, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मैं कार को ड्रिफ्ट कर रहा हूं। ये मैंने टर्न की है, ड्रिफ्ट करते हुए कार अपनी टर्न की है, अभी आपने नोटिस किया होगा। अगर क्या बाहर से अगर देखेंगे तो बहुत डिफरेंट तरीके से दिखता है, अगर अंदर से देखते हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाता है, वो तरीका ही अलग हो जाता है, आप व्यू डिफरेंट व्यू पोजिशन से अलग हो जाता है वो तरीका, कि किस तरह से हम ड्रिफ्टिंग करते हैं या पोजिशन आपकी कैसी होती है या आप किस तरह से व्यू कर रहे हैं। अंदर से व्यू करेंगे तो आपको एक नॉर्मल सा लगेगा कार ऐसे ऐसे हो रही है, लेकिन बाहर से देखेंगे तो पूरी मूव होते हुए कार दिखेगी। तो फ्रेंड्स आई होप ब्रेकिंग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से हमारी ब्रेकिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमें ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए ब्रेक को, और किस तरह से हमारी कार का मूवमेंट अगर ब्रेक फेल हो जाए तो किस तरह से हमें हैंडल करना है। 5 मिस्टेक बताया न्यू ड्राइवर्स जो करते हैं ब्रेकिंग करते समय या ब्रेक अप्लाई करते समय। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।